Panda. I got broads in Atlanta. She's a Dolly in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. जी तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, और अगर आप लोग दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे आगे भी शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी मालूमात और अच्छी अच्छी वीडियो ले के आ सकूँ। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। जी तो दोस्तों, ये इसकी हमने कोन उतार के, तो ये स्पैडर जोन सा है, ये हमने नया लगा लिया है। क्वेल भी हमने बिठा लिया है। ये पेपर है, इनको अच्छी तरह हमने अंदर डाल लेना है ताकि क्वेल जोन सी है वो बीच में उसका थोड़ा सा फासला बना रहे, उसकी प्ले अच्छी हो। तो अभी हम एलसी लगाएंगे इसके ऊपर ताकि ये जल्दी से खुश्क हो जाए। इसका फ़ायदा ये है क्योंकि आम रूटीन पे ये इस्तेमाल करते नहीं हैं, तो बहरहाल मैं तो ये इस्तेमाल करता हूँ। इसका फ़ायदा ये है, कुछ कस्टमर आते हैं वो बहुत जल्दी में होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें जनाब ये पहले करके दें, थोड़े टाइम में करके दें, तो इसलिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ आप ऐसे समझ लें कि मतलब घंटे का काम आप जो है वो 10 मिनट में कर सकते हैं। तो इसको हम अभी इधर लगा लेंगे। तो ये अभी इसकी इसके साथ पकड़ हो गई है। ये अभी हम इसको अगर बीच में से ये निकालना चाहें निकाल सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल ऐसे मज़बूत हो गया। तो चलें, तो आपको अभी कौन इसकी फ़िटिंग करके दिखाते हैं, कौन आपने इसकी कैसे लगानी है। तो ये बाज़ जो कोने होती हैं उनका ये जो होल बना हुआ है, ये बाज़ दफ़ा थोड़ा कम होता है, तो अगर आपकी कॉइल इसके अंदर सही फिट नहीं आ रही, ये तंग है, तो आप इसको किसी चीज़ की मदद से, किसी प्लास की मदद से, किसी पेचकस की मदद से आप इसको थोड़ा सा खुला कर लें। तो अभी हम कॉइल लगा कर इसको चेक करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी इसके अंदर तंग है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा खुला कर लेंगे हाथ की मदद से ही, क्योंकि ज़्यादा तंग नहीं है। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा फासला बना रहे हैं। ये देखें, अभी बिल्कुल इजी है इसके अंदर। तो अभी हम इसकी कॉइल लगाएंगे। तो अभी हम इसकी कॉइल लगा लेते हैं। तो दोस्तों, जी तो ये देख सकते हैं, ये हमने कॉन वगैरह की फिटिंग कर ली है। तो अभी पीछे रह गया है इसके अंदर इसकी वायर के कनेक्शन और इसकी ऊपर वाली टेस्ट वाली कैप, वो उसकी फिटिंग करके लगा के आपको फिर ये इसके अंदर फिटिंग करके एम्पलीफायर के अंदर आपको ऑन करके चेक करवाएंगे। Thank you.
जी, तो ये स्पीकर हमने इसके अंदर फिटिंग बना दी है, तो अभी हमने इसको ऑन कर लिया है। तो अभी हम आपको चेक करवाते हैं इसकी आवाज़। जी, तो ये देख सकते हैं आप, इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी बन रही है। जी, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ कितनी अच्छी बनी है। तो अगर किसी दोस्त को कोई मसला पर दरपेश आए इसकी वाइंडिंग में, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स करें तो मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। तो अगर आप लोगों मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।